अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो जो न्यू सब्सक्राइबर उनको वेलकम और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है, ये वीडियो आप लोग एंड तक देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद है, गाड़ी पसंद है, कल्टस जो मेरे बैक पर है, अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना और अपनी राय लाजमी कमेंट में बताइएगा कि जी आपको गाड़ी कैसी लगी। तो कल्टस हमारी रेडी हो गई है, ठीक है जी। ये गाड़ी के ऑनर हैं मतीन भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप पेंट से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल, ये मन जबरदस्त, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। आप मुझे ये बताएं पेंट मैच है? 100% मैच है। चले, ये तो शुक्र है जी कि आपको काम पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो जो न्यू सब्सक्राइबर उनको वेलकम और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है, ये वीडियो आप लोग एंड तक देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद है, गाड़ी पसंद है, कल्टस जो मेरे बैक पर है, अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना और अपनी राय लाजमी कमेंट में बताइएगा कि जी आपको गाड़ी कैसी लगी है, ठीक है। और मेहनत हमने जो रंग के गाड़ी पर पेंट जॉब की है, गाड़ी को जो कंपाउंड किया, वो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और ये व्लॉग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कल्टस पर है, ठीक है जी, और रेडी हो गई है। ये गाड़ी किस पर्पस के लिए आई थी, ये आप लोगों ने इससे पहले व्लॉग में देखा है, और जिन लोगों ने वो व्लॉग देखे उनको पता है, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ। ये गाड़ी हमारे पास आई थी बम्पर पेंट करने के लिए, और 2-3 पीसों की टचिंग थी, और इसके अंदर समझ लें आप डेंटिंग का थोड़ा काम था, बॉडी गेट लगानी थी, और जीटी बम्पर इसको फिट किया था हमने। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं और उसके बाद मतीन भाई भी आए हैं, मतीन भाई का भी आपको रिव्यूज़ लेते हैं जी कि मतीन भाई को काम पसंद आया कि नहीं आया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सो कल्टस हमारी रेडी हो गई है, ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब जाके फिनिश हुई है। मैं आप लोगों को गाड़ी का पहले एक दफ़ा रिव्यू देता हूँ कि गाड़ी का क्या क्या काम हुआ है। पहले आप गाड़ी का माशाल्लाह से पेंट देख लें, ये कुछ चीज़ें इसकी पेंट हुई हैं और बाकी गाड़ी सारी जेन्युइन ही थी और कंपाउंड हुई है गाड़ी। गाड़ी माशाल्लाह इस टाइम पूरी अपने लुक में है। ये मतीन भाई की गाड़ी थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस गाड़ी का क्या क्या काम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बम्पर इंस्टॉल किया है GTI का, GTI की फॉग लाइट्स, उसके बाद ये नीचे आफ्टर मार्केट बॉडी किट लिप लगा इसको, ठीक है जी। ये साइड वाले जो इंडिकेटर्स हैं इस पे ऑरेंज पेपर किया गया है। मैश ग्रिल लगाई हुई है मैट ब्लैक में, ठीक है, मैट ब्लैक की है। मतीन भाई ने कहा था जी मैट ब्लैक कर दूँ, मैं कहा ओके ठीक है। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट जेन्युइन ही है, कंपाउंड पॉलिश हुई है, निचला पैनल पेंट किए हैं, ठीक है, निचले पैनल पेंट किए हैं, अगला बम्पर पेंट किया है, ये मरगाट पेंट किया, ये वाला ये मरगाट पेंट किया है, और जो है स्पॉइलर पेंट किया था ऊपर वाला, बैक बम्पर भी पेंट किया है, और वो वाला अगला मरगाट नहीं सॉरी ये वाला मरगाट पेंट किया और वो वाला अगला मरगाट भी पेंट किया, ठीक है जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी की अब फिनिशिंग लुक का आ रही है, ये चेक करें, पेंट चेक करें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की फुल इस टाइम नीटनेस में है। और गाड़ी के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो मतीन भाई से पूछते हैं कि इनकी क्या कॉस्ट आई है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम कंप्लीट है पूरी, और मतीन भाई से बात करते हैं। मतीन भाई आ जाए सर, क्या हाल है ये? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, इधर आ जाए गाड़ी के आगे, गाड़ी के आगे आ जाए। सो जी ये गाड़ी के ऑनर हैं मतीन भाई। मतीन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताएं कि गाड़ी पे कितनी कॉस्ट आई है आपकी अभी तक? अभी तक तो तकरीबन 50 या 55 के राउंड अबाउट है। 50 या 55। ये बम्पर कितने का लिया था आपने?
बम्पर था 11,000 का, ठीक है, और इसकी फोग लाइट जो है वो 6,000 की है, ठीक है, और इसके ऊपर पेंट का सारा खर्चा ऑलमोस्ट तकरीबन 50,000 या 55,000, ठीक है, 15,000 पेंट का कॉस्ट आई थी, लेबर शेबर डाल के जो मैंने ली है आपसे, ठीक है, पेंट की, और बाकी ये बम्पर मतीन भाई खुद लेके आए थे, लिप भी खुद लेके आए हैं, सारा सामान खुद ही लेके आए हैं, मैंने जस्ट पेंट की है गाड़ी और कंपाउंड पॉलिश की है, ऐसे ही मतीन भाई बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं कि आप पेंट से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल A1 जबरदस्त, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, पेंट मैच हुआ है, बिल्कुल 100%। असल में मतीन भाई की गाड़ी में हुई है टचिंग, अब टचिंग कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ, ये आधा फेंडर नहीं, ये फेंडर तो बल्कि पूरा हुआ है, वो फेंडर आधा पेंट हुआ है, वो पिछला फेंडर आधा पेंट हुआ है, और हाँ ये डोर जो है ये निचले से ये जो हिस्सा ना ये इतना आधा ये पेंट हुआ है, फिर उसके बाद बोनट सारा पेंट किया है, ठीक है जी, और इस इन शॉर्ट गाड़ी के अंदर जहाँ जहाँ पे लकीरें थी ना जो ख़त्म नहीं हो सकती थी कंपाउंड से, वो हमने पेंट की है, गाड़ी फुल अपनी नीटनेस में माशाल्लाह से आ गई। अच्छा मतीन भैया मुझे ये बताएं, पेंट आप कह रहे थे कि यार पेंट मैचिंग पे थोड़ा सा इशू, कि साहब भाई पेंट मैच हो जाएगा, अब मुझे ये बताएं पेंट मैच है? 100% मैच है। चलें, ये तो शुक्र है जी कि आपको काम पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा काम है, और ये हमारे साहब भाई हैं, इनके साथ आपने हमेशा इनसे ही काम करवाना है, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त काम करते हैं और जबरदस्त काम करते हैं। मतीन भाई माशाल्लाह, जिसे कहते हैं ना सादे आदमी, कोई वो नहीं उनके अंदर के चलाकियाँ वगैरह लोगों के अंदर आजकल जो है, बिल्कुल सादे सिंपल आदमी, जो बंदा उन्हें जितने पैसे कह रहा था वो अल्लाह लोग बेचारे उतने का ही लेके आ रहे, हालांकि मैं उन्हें समझा रहा था मतीन भाई क्या कर रहे हो, लेकिन खैर माशाल्लाह से उन्होंने अपनी एक चीज़ तैयार की बड़े प्यार से और बड़े लाडों से, इसको रेडी किया है इन्होंने, तकरीबन 50 से 55,000 रुपये कॉस्ट आई है, और वो आई है बंपर, फॉग लाइट्स, बॉडी लिप, और 2,000 तो किराया देते रहे हैं, हिसाब लगाएं आप लोग, 2,000 किराए, कभी फॉग लाइट का, कभी बंपर का, कभी ये लिप का, ऐसी है पिशावर से सामान इन्होंने सारा मंगवाया, पिशावर से ही ना? हाँ बिल्कुल, पिशावर से ही सारा सामान इन्होंने मंगवाया, बाकी जो बॉडी किटें वगैरह थी, साइड पैनल और स्पॉइलर, वो इधर से इन्होंने लिया मतीन भाई ने, वो मेंटी कंप्लीट हो गया, बाकी पेंट जॉब वाला काम हमने कर दिया, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर कहीं पे हमारी गलती नजर आई हो तो वो भी मेंशन करनी है कि यहाँ पे आप लोग साहब भाई गलती कर रहे हैं, बिल्कुल, बाकी मतीन भाई अल्लाह पाक आपके नसीब में करे, अल्लाह पाक आपको ये उंडाना नसीब करे, कोई भी मसला मजा लो हम आपके लिए हाजिर हैं, बिल्कुल वो तो है, तो 24 आवर्स साहब भाई हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह।